हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टिन प्लेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि ये कंपनी में अभी अगर देखेंगे इसका रिजल्ट भी आया है, तो इसी बेसिस पे ये स्टॉक में हमें एंट्री करना चाहिए या तो फिर कौन सा लेवल पे एंट्री करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स का ये सवाल था। ये स्टॉक जिस हिसाब से भाग रहा है, मल्टीपल अगर रिटर्न दे रहा है, तो ये स्टॉक में हम एंट्री करके चल सकते हैं या तो फिर अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सबको जरूर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मेरा हर कोई आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। उसी बेस पे आप स्टॉक को थोड़ा सा एनालिसिस करके कोई भी स्टॉक ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में भी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, जो कि बेस्ट स्टॉक है। 10 स्टॉक को हमने एनालिसिस किया हुआ है, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम ले सकते हैं बोल के। ठीक है, अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसी हिसाब से देखेंगे, ये जो टिन प्लेट कंपनी है, जो टिन प्लेट कंपनी के बारे में बात करेंगे, ये जो कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी है, ये एक टाटा का सब्सिडरी कंपनी है। जब अगर आप आके यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये जो TCIL कंपनी है, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द सब्सिडरी ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड, द कंट्री फर्स्ट टिन प्लेट मैन्युफैक्चरर। तो ये जो कंपनी है, तो यहाँ पे शीट और कॉयल फॉर्म का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका प्रोडक्ट आप आगे यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो GI शीट्स वगैरह होता है, टीन का शीट वगैरह होता है, तो जहाँ पे ये शीट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो एक सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये चीज़ भी हमें जरूर अपना नज़र में रखना चाहिए, जो कि 3,357 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत चीप वैल्यूएशन पे ट्रेडिंग हो रहा है। 11.4 का PE पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। इसका जो ROC है, यहाँ पे 17 ROC है। अगर प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे, यहाँ पे 75% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, और पूरा डेट फ्री कंपनी, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पे अगर हम इसी हिसाब से स्टॉक का अगर ऑल टाइम हाई की बात करेंगे, यहाँ पे 348 ऑल टाइम हाई है, और स्टॉक जो ट्रेडिंग हो रहा है नियरेस्ट ऑल टाइम हाई के पास में, जो कि 321 के पास में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। लेकिन अगर हम 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 100% का गेन का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप देखेंगे, एक साल में ये स्टॉक एक अच्छा सा रिटर्न दिया है, एक साल में 71% का रिटर्न दिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टॉक ओनली भाग रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ना, 326% का कंपाउंड ग्रोथ दिया है, जो कि स्टॉक का भी ग्रोथ दिया, जो कि प्रॉफिट का ग्रोथ दिया है। अगर हम सेल्स की ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ भी बहुत बेहतरीन है, 89% का सेल्स की ग्रोथ है। अगर हम इसी हिसाब से ये स्टॉक में देखते हैं, अभी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, यहाँ पे दिसंबर में 1180 करोड़ का यहाँ पे सेल्स किया हुआ है, जो कि लास्ट अगर दिसंबर से अगर देखेंगे, तो यहाँ पे 80-90% का एक बहुत बढ़िया सा ग्रोथ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में अगर से दिसंबर की बात करेंगे, यहाँ पे 615 करोड़ का था, अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1180 सेल्स नजर आ रहा है। तो मुझे इसी हिसाब से लग रहा है स्टॉक में एक बेहतरीन यहाँ पे ग्रोथ नजर आ रहा है, तो आप ये स्टॉक को थोड़ा सा आगे के लिए कंसिडर करके चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी के पोर्टफोलियो में है तो उनके लिए ठीक है, अगर किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है तो उनको कौन सा लेवल पे एंट्री लेना चाहिए, वो हमें जरूर इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक कोई भी वैल्यूएशन पर हम बाय करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसी हिसाब से देखेंगे, इसका प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 33 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे प्रॉफिट था, अभी अगर देखते हैं यहाँ पे दिसंबर में 95 करोड़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में बहुत बढ़िया से ग्रोथ नजर आ रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर देखेंगे, यहाँ पे 16 करोड़ था, उसके बाद में 33 करोड़ हुआ, उसके बाद में यहाँ पे 56 करोड़ हुआ, उसके बाद में 69 करोड़ हुआ, उसके बाद में 75 है। हमेशा हर एक क्वार्टर में ग्रो होते जा रहा है। ठीक है ना, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर इसी हिसाब से अभी लास्ट 4 क्वार्टर का अगर हम देखेंगे, ट्रेलिंग यहाँ पे देखेंगे, 295 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। अगर हम यहाँ पे सेल्स की भी बात करेंगे, 3,778 का है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट अगर जाके देखते हैं, यहाँ पे रिजर्व भी बहुत बढ़िया से ग्रोइंग होते जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टर में अगर प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे, प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 74.96% का है, जो कि टाटा स्टील का एक कंपनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसी हिसाब से ये स्टॉक में, तो इस लेवल पे कभी भी बाई नहीं करना। अगर स्टॉक में बाइंग करना है, तो उसका एक रेंज हमें डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टॉक को हमेशा ऐसे बाई नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर कोरोना के टाइम पे देखेंगे, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 58 के पास में आ चुका था।
अगर 58 से अगर देखेंगे 2 साल में यहाँ पे कितना परसेंटेज का रिटर्न दिया, वो एक बार जरूर हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके अगर 2 साल की अगर हम जर्नी देखेंगे तो ये स्टॉक में एक 450% का रिटर्न मिल चुका है, जो कि यहाँ पे कोरोना का लो से, ठीक है, मार्च 2020 का लो से यहाँ पे 470% का रिटर्न दे चुका है। अगर इसमें किसी को पोजीशन बनाना है, मुझे लगता है फ्रेंड्स इस स्टॉक में इमीडिएटली आप पोजीशन मत बनाइए, और जिनका पोर्टफोलियो में है तो उनको तो होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि ये मल्टी वैगर स्टॉक है। आपको तो पता है जिस हिसाब से स्टॉक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस भी दे रहा है, बहुत बड़ा मल्टी वैगर स्टॉक है, तो इस हिसाब से आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए। तो लेकिन अगर फ्रेश पोजिशन आप बनाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार एक सपोर्ट रेंज को आने दीजिए, फिर उसके बाद में हमें स्टॉक में तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो सपोर्ट है ना, अगर आपको फिर से पोजीशन बनाना है, स्टॉक में पोजीशन बनाना है, यहाँ पे 269 पे आप पोजीशन बना के चल सकते हैं, क्योंकि काफी बार इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी एक बार सपोर्ट लिया है, तो इस हिसाब से ये रेंज पे आप बाई कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट के लिए आप बात करेंगे, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए तो आपको ये टारगेट रेंज पे अगर आप लेके चलते हैं, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक आपको स्विंग का एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको स्टॉक को इंतजार करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि इमिडिएटली आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे। हमारे पास में बहुत सारा अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टॉक का क्वेरी आया था, इसीलिए मैंने इस स्टॉक का वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर रहे थे कि ये स्टॉक के बारे में क्या करेंगे, कब एंट्री लेंगे, तो उनके लिए वीडियो बनाया। तो अगर मेरे हिसाब से अगर स्टॉक को मुझे बाइंग करना है फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ये स्टॉक में अगर फिर भी पोजीशन बनाना है, अगर 200 डे मूविंग एवरेज तक अगर स्टॉक आता है तो मैं तभी ये स्टॉक में पोजिशन बनाऊंगा, नहीं तो ये स्टॉक में मुझे पोजिशन नहीं बनाना है, क्योंकि स्टॉक जिस हिसाब से मोमेंटम में है तो किसी भी टाइम पे अगर करेक्शन आएगा तो फिर फंस सकते हैं। लेकिन बल्कि अगर फाइनेंशियली डाटा देखा जाए, फाइनेंशियली बहुत बढ़िया डाटा निकल करके आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, जो जो कि यहाँ पे स्टॉक जिस हिसाब से मोमेंटम में चल रहा है। अगर आपको पोजीशन बनाना है फ्रेंड्स, आपके लिए ये लेवल आपको देखना बहुत जरूरी है, इस लेवल पे आप पोजीशन बनाइए। स्टॉक तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त दे रहा है, तो इस हिसाब से आप ये लेवल पे पोजीशन बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टॉक यहाँ तक नहीं भी आता है तो स्किप कर दीजिए, फिर से हम इंतजार करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कंपनी हो, बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद भी कभी कभी स्टॉक गिरता है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक प्रॉफिट वर्क करना है मतलब ऐसा भागते जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंतजार करना चाहिए कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।